हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे एन इंग्लिश क्लास थर्ड यूनिट नंबर टू का पोएम नंबर वन के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन वन इज नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम कविता में दो बर्ड्स मीन्स पक्षियों के नाम लिखिए द टू बर्ड्स आर रॉबिन एंड जय वो दो पक्षी रॉबिन और जय हैं क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कान डू वो कौन सी तीन बातें हैं जिन्हें लोग नहीं कर सकते द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू वो तीन बातें जो लोग नहीं कर सकते आर वो हैं दे कांट फ्लाई वो उड़ नहीं सकते दे कांट सिट ऑन वायर्स वो तारों पर बैठ नहीं सकते दे कांट गेट फेदर्स एंड विंग्स उनको पंख और पर नहीं मिल सकते क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल पक्षी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी पक्षी लोगों के बारे में सोचते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत मजाकिया हैं इमेजिन वॉट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल कल्पना करिए कि जो टू एलिफेंट्स हैं इन गिवन पिक्चर नीचे दी हुई पिक्चर में वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं लेट देम टॉक अबाउट अब उन्हें उसके बारे में बात करने दो वॉट पीपल लुक लाइक लोग कैसे दिखते हैं वॉट द ईट वो कैसे क्या खाते हैं हाउ दॉक वो कैसे चलते हैं यू कैन से फर्स्ट एलिफेंट से ये कहता है कि अब आप कह सकते हैं हो लुक एट दैट मैन स्नोज उस आदमी की नोज देखो शी देखो हाउ स्मॉल इट इज कि वो कितनी छोटी है एलिफेंट नंबर वन लुक एट दैट मैन स्नोज उस आदमी की नोज देखो सी हाउ स्मॉल इट इज देखिए कि वो कितनी छोटी है एलिफेंट नंबर टू अब दूसरा हाथी कहता है इन डीड वास्तव में इट इज ये तो है ही लुक्स सो स्मॉल वो बहुत छोटी दिखती है एलिफेंट नंबर वन फिर से कहता है वाई वुडेंट ही वो क्यों नहीं होगा ही इट्स सो लिटिल वो कितना कम खाता है ओनली टेन चपातीस एंड फ्यू वेजिटेबल्स इन अ डे एक दिन में केवल कुछ सब्जियां और दस चपातियां ही खाता है एलिफेंट नंबर 2 दूसरा आती कहता है ओ माय गॉड हे भगवान हाउ इज ही स्टिल अलाइव वो अभी तक कैसे जीवित है इफ ही ईट्स सो लेस यदि वो इतना कम खाता है एलिफेंट नंबर 1 फिर से पहला आती कहता है ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज ओनली टू लेग्स और उस पर भी उसके केवल दो टांगे हैं एलिफेंट नंबर टू फिर से दूसरा हाथी कहता है यस ही इज सो अनलकी अनलकी मीन दुर्भाग्यशाली कि हाँ वो तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है लुक एट अस हमें तो देखो वी हैव गोट फोर लेग्स टू वॉक हमें चलने के लिए चार टांगे मिली हैं नॉट ओनली दिस अरे केवल ये ही नहीं वी ऑल्सो हैव ए ग्रांड ट्रंक कि हमें तो एक बड़ी सूंड भी मिली है आई एम सो प्राउड ऑफ माइ सेल्फ मुझे तो अपने आप पर बहुत गर्व है लेट्स फाइंड टू थिंग्स विच यू कैन डू अब दो बातें ऐसी ढूंढी है जो आप कर सकते हो एंड द बर्ड्स कांट डू लेकिन उसे पक्षी नहीं कर सकते टेल द क्लास अपनी क्लास को बताइए वी कैन टॉक हम बातें कर सकते हैं बट बर्ड्स कांट लेकिन जो पक्षी हैं वो नहीं कर सकते वी कैन वॉक हम चल सकते हैं घूम सकते हैं बट बर्ड्स कैन नॉट लेकिन जो पक्षी हैं वो नहीं कर सकते नाउ लेट्स मेक अ फिंगर पपेट्स अब आपको अपनी जो फिंगर है उसकी एक कट पुतली मीन्स पपेट्स होती हैं कट वो बनानी है। फर्स्ट क्या करना है आपको ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ सीट ऑफ पेपर एक पेपर की सीट लीजिए उस पर अपनी पसंदीदा जो बर्ड है उसको ड्रॉ करिए कट उसके बाद उसे कट करिए एंड कलर इट और उसके बाद इसमें रंग भरिए सेकेंड स्टेप क्या करना है टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर आपको या तो कपड़ा हो या कोई कागज हो उसकी स्ट्रिप लेनी है पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट और उस पिक्चर को जो आपने ड्रॉ की है उस पर पेस्ट करनी है मतलब चिपकानी है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप जो स्ट्रिप है उसके दोनों जो एंडिंग हैं उन्हें आपको बांध देना है नेक्स्ट स्टेप फिक्स इट ऑन योर फिंगर और उसके बाद इसे अपनी फिंगर पर फिक्स कर लीजिए देन योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक अब आपका जो फिंगर पपेट है आपकी उंगली का जो कटपुतली बनी है वो बातें करने के लिए बिल्कुल रेडी है मीन्स तैयार है लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग अब अपने जो पपेट है उसे फ्लाई मीन्स उड़ने दो विद्यो फ्रेंड्स पपेट आपके अपने दोस्तों की जो कठपुतलियां हैं अब उसके साथ उसे उड़ने दो लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स जो बर्ड्स हैं उनकी साउंड सुनिए आवाज सुनिए मेक का लिस्ट ऑफ दीज बर्ड्स और इन शब्दों की एक लिस्ट बनाइए फॉर एग्जाम्पल जैसे च्रेप च्रेप चिर ची 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 कू 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 ची 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 ये वाली साउंड जो है ये होती है जो बर्ड्स होते हैं उनके बेबीज की जो छोटे बेबी होते हैं वो कैसे बोलते हैं ची 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 कु नो you know, कि ये जो साउंड है वो कोयल बोलती है जो कुकू कु, वर्ड कु, होती है उसकी साउंड कु, 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 कु होती है नाउ राइट फोर सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स अब जो नीचे दिए वर्ड्स हैं शब्द हैं उनको यूज़ करके बर्ड्स के फोर सेंटेंस हमको बनाने हैं द फर्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड्स केम बैक टू देयर नेस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर तो टू वर्ड्स क्या है इसमें नेस्ट और वॉटर इनका यूज किया है हमने बर्ड्स केम बैक टू देअर नेस्ट जो पक्षी हैं पानी पीने के बाद अपने घोंसलों में, में आ जाते हैं सेकेंड इज द बर्ड्स चिर्प वेन द्लाई पक्षी जो हैं जब उड़ते हैं वो तब चर्प मीस साउंड करते हैं बोलते हैं नेक्स्ट इज द बर्ड फ्लाई हाई इन दौन से वर्ड है फ्लाई और के उड़ने के लिए विंग्स होते हैं मीन्स पंख होते हैं राइट वर्ड्स दाइम विदर्ड्स गिवन ब्लो जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनसे जो शब्द राइम्स मीन्स उनके जैसी ले है बोलने में उन्हें आपको लिखना है द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू और एक आपके लिए कर दिया गया है जैसे ग्रो ग्रो सेम साउंड नो थ्रो नेक्स्ट इज दे नेक्स्ट वर्ड इज थिंक थिंक साउंड सेम एज ब्लिंक लिंक नेक्स्ट इज फनी फनी साउंड सेम एज मनी हनी नेक्स्ट इज ईट ईट साउंड सेम एज Seat heat. Next is sing sound same as king wing. See aloud. Thing base ten. Thin the top. Three do tank. Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.